पचेरी पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बस में गांजा परिवहन करते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार सिंगाणे विश्वविद्यालय के सामने प्राइवेट बस को रुकवाकर चेक किया तो संदिग्ध जितेंद्र उर्फ जीतू मनेश के बैग की तलाशी ली गई, जिसमें 45 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा पाया गया। जब्त करके आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू मनेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। मानोर की तरफ से प्राइवेट उसको रोक करके चेक किया था तो उसने सीट पर दो व्यक्ति बैठे हुए थे, जिनके पास दो इंजन के सूटकेस और एक बैग था। बैगों को चेक किया गया और बैग में कुल 45 किलो अवैध रूप से मादा पेपर पर कार्रवाई की थी। दोनों जो लड़कों का एक नाम जितेंद्र कुमार, दूसरा मनीष अहिवाल, बहुत ही बड़ा कार्यकारी बैठने वाले थे। इसलिए लगभग तीसरी कार्रवाई है आपको पहली स्कूली या कोई द्वारा तीस के साथ अहम थे